हमारे महासागरों में हजारों मीटर की गहराई पर ये वो चिमनियां हैं जिनसे केमिकलों से भरा काला पानी निकलता रहता है। इस पानी का तापमान 350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत हाइड्रोथर्मल वेंट्स कही जाने वाली इन्हीं चिमनियों के आसपास हुई। इन गहराइयों में आज भी ऐसा जीवन तंत्र चल रहा है जो धरती पर और कहीं नहीं है। इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास समुद्र के तल पर बड़ी मात्रा में ऐसे पत्थर भी मौजूद हैं जिनमें बेशकीमती और दुर्लभ धातुएं छुपी हैं। ये निकल, तांबे, कोबाल्ट और मैग्नीज से भरा हुआ है। हमने इसे महासागर के तल से निकाला है। कई चेतावनियों के बावजूद कुछ सरकारें और माइनिंग कंपनियां अब इन पत्थरों को एक बड़ी लॉटरी की तरह देख रही हैं। President Trump signing an executive order to fast-track deep sea mining off the U.S. coast. वैज्ञानिक और एक्सपर्ट लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि गहरे महासागरों में ऐसी मनमानी बंद होनी चाहिए। डीप सी में अंधी मनमर्जी नहीं होनी चाहिए। धरती को कम से कम आधी ऑक्सीजन महासागरों से मिलती है, यानी हमारी हर दूसरी सांस महासागरों की देन है। मौसम का चक्र हो या जीने के लिए संतुलित तापमान को बरकरार रखना, पृथ्वी के 70% हिस्से को ढके रहने वाला पानी इसमें भी बड़ी भूमिका निभाता है। इसके साथ ही दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को पोषक खुराक इन्हीं महासागरों से मिलती है। लेकिन अब इंसान महासागरों के गहरे तल में खुदाई करना चाहता है। नमस्कार, पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में आज बात करेंगे इसी डीप सी माइनिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत महासागर में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई में बिखरे ये पत्थर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल हैं। इन पत्थरों में बड़ी मात्रा में कोबाल्ट, निकल, कॉपर और मैग्नीज मौजूद हैं। माइनिंग कंपनियां कहती हैं कि धरती पर बढ़ती गर्मी को रोकने के लिए इस कच्चे माल की सख्त जरूरत है। इसी वजह से जापान का एक रिसर्च जहाज इन नोड्यूल्स का सैंपल लेने यहां लंगर डालने वाला है। एक बार में बहुत कम नमूने खींचने के बावजूद ये कोशिश 6000 मीटर की गहराई में शांति से पसरी धूल को एक गुबार में बदल देती है। ऐसे सैंपल हफ्तों तक कई इलाकों से लिए जाते हैं। मकसद है आलू या गोभी जैसे आकार वाले ज्यादा से ज्यादा नोड्यूल्स जुटाना। असल में ये नोड्यूल्स करोड़ों साल में बनते हैं, वो भी समुद्र की ऊपरी सतह से गहरे तल तक पहुंचे बचे खुचे जैविक अवशेषों और धूल के मिलन से। लाखों साल में मिलीमीटर दर मिलीमीटर कर अवशेष पर परतें चढ़ती जाती हैं। इस तरह महासागर के गहरे तलछट में नोड्यूल बनते और बड़े होते रहते हैं। फिलहाल ऐसे कई नोड्यूल रिसर्च जहाज में बनी लैब तक पहुंच चुके हैं। अब शुरुआती सफाई के बाद उनका आकार, वजन और रंग दर्ज किया जाएगा। फिर उन्हें काटकर देखा जाएगा कि उनमें कौन से खनिज किस मात्रा में हैं। जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के पास हिंद महासागर में भी ऐसा ही एक अलग रिसर्च अभियान चल रहा है। ये रोबोटिक पनडुब्बी 6 से 7 हजार मीटर की गहराई में उतरकर वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ ही अपनी रोबोटिक आर्म से नोड्यूल्स जमा भी कर सकती है। कुछ देशों की सरकारें और माइनिंग कंपनियां ऐसे रिसर्च अभियानों को खूब फंड कर रही हैं। नोड्यूल्स के सैंपल दुनिया के सभी महासागरों से जुटा लिए गए हैं। कुछ जगहों पर तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स को काटकर सोने का भी पता लगा लिया गया है। जैसे जैसे दुनिया का ध्यान उन दुर्लभ धातुओं की तरफ जा रहा है जिनकी हमें बैटरी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरत है, तब सवाल आता है कि ये धातुएं आएंगी कहां से और इंसान और पर्यावरण पर सबसे कम असर डालते हुए कहां से आएंगी? शायद इन जगहों से। मेक्सिको से हवाई तक फैले विशाल क्लेरियन क्लिपर्टन जोन में करीब 6000 मीटर की गहराई में मैग्नीज से भरे नोड्यूल हैं। लेकिन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक वहां हाल ही में 5000 ऐसी प्रजातियां खोजी गई हैं जो विज्ञान के लिए बिल्कुल नई हैं।
बीते 10 साल में ही हमें गहरे अंधेरे महासागर में किसी बल्ब या एलईडी की तरह चमकने वाले सैकड़ों जीव मिल चुके हैं। लेकिन जमीन से बहुत दूर अपने अनूठे संसार में जीने वाले इन जीवों के बीच अब इंसान की मशीनें भी दस्तक दे रही हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर अपनी रिपोर्ट में दावा कर चुका है कि 100% स्वच्छ ऊर्जा पाने के लिए जरूरी संसाधन जमीन पर मौजूद भंडारों और रिसाइकलिंग से हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन कई खनन कंपनियां 2016 में आई इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं। हमारे फील्ड में संसाधनों की वैल्यू करीब $4 अरब है। इससे ये पता नहीं चलता कि आप कितना पैसा बनाएंगे, क्योंकि लागत और खर्चे भी हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमिकल एनालिसिस बताती है कि ये प्रोजेक्ट मुनाफा देगा, ये अच्छा पैसा देगा। डीप सी में बड़े पैमाने पर खनन करने के लिए कई तरह की माइनिंग मशीनें, मॉडल और तकनीकें तैयार की जा चुकी हैं। इन्हें लगातार टेस्ट भी किया जा रहा है। कुछ कंपनियां ये भी दावा कर रही हैं कि उनकी तकनीक सबसे कम उथल पुथल मचाएगी। पर्यावरण को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसे रोकने के लिए हमें कुछ प्रावधान करने होंगे। एक्टिविज्म सक्रिय हो गया है, वे संभावित नतीजों को नाटकीय बना रहे हैं, वे तथ्यों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। डीप सी माइनिंग की आहट अब अलाना श्मिट के दरवाजे पर खटखट कर रही है। कंजर्वेशन बायोलॉजी में मास्टर्स कर चुकी अलाना जानती हैं कि 1,000 टन का खोजी जहाज उनके देश कुक आइलैंड में क्यों रजिस्टर हुआ है। अमेरिकी कंपनी मोआना मिनरल्स लिमिटेड का यह जहाज यहां प्रशांत महासागर में दुर्लभ खनिजों का पता लगाने आया है। विरोध के बावजूद 15 द्वीपों वाले देश कुक आइलैंड ने इसे खोजी अभियान की मंजूरी दे दी है। हम तो इस इंडस्ट्री के सामने चूहे जैसे हैं। सबसे पहले हमारी बारी है, अंधे की तरह। हमें तो पता भी नहीं कि इसके रिस्क क्या होंगे। कुक आइलैंड से हजारों किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में जमैका की राजधानी किंगस्टन है। यहीं यूएन की संस्था इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी आईएसए का हेडक्वार्टर है। 170 देश इसके सदस्य हैं। आईएसए के मौजूदा नियमों के मुताबिक देश अपने क्षेत्रीय और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में डीप सी माइनिंग से जुड़ी रिसर्च कर सकते हैं। 1994 में स्थापित की गई इस संस्था पर अब कई देश ये दबाव डाल रहे हैं कि वो गहरे महासागर में खनन की परमिशन दे। बढ़ते दबाव के बीच अथॉरिटी ने 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाके यानी भारत के क्षेत्रफल के लगभग तिगुने बड़े इलाके में 30 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं जिनके तहत समुद्र तल में खनिज संपदा का पता लगाने के लिए रिसर्च या एक्सप्लोरेशन अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारा पहला प्रोडक्शन जहाज तैयार है। हम साबित कर चुके हैं कि हम कैसे नोड्यूलों को बड़े स्तर पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में बदलेंगे। अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के बाद अब हमें बस एक फास्ट ट्रैक परमिट का इंतजार है। हम माइनिंग के लिए तैयार हैं। मैं 2030 से पहले ही खनन करना चाहता हूं। अगर हम सही लोगों और सपोर्ट को साथ ला सकें और अपना काम ढंग से कर सकें तो हम 2030 से पहले माइनिंग शुरू कर सकते हैं। हमें ये पक्का करना होगा कि हम अपने महासागर की देखभाल करें और उसे हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए सेहतमंद छोड़ें। 44 देश और 750 से ज्यादा वैज्ञानिक व कई संस्थाएं डीप सी माइनिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। बड़ी चिंता ये है कि जमीन के कई इलाकों को बर्बाद करने वाला इंसान नजरों से दूर रहने वाले इस गहरे संसार को किस हद तक रौंदेगा। It's a risky move. फिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में आज इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ बढ़ाने वाली लगी तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।